दोस्तों कैसे हैं आप सब। वैसे तो जंगल में अक्सर वही शिकारी सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है जिसका शरीर और बार दोनों ही भारी हो, लेकिन कभी कभी जंगल की दुनिया में ऐसे भी शिकारी देखे जाते हैं जो अपने नन्हे साइज से बड़े खिलाड़ियों की भी बैंड बजा देते हैं। आखिर ये नन्हा शिकारी है कौन और कैसे ये अपने वार से जंगली बिल्ली यानी शेर तक को मात दे सकता है? क्या आज सिर्फ यही अपना आतंक फैलाएगा या दूसरे शिकारी भी कुछ कर पाएंगे? कौन किसका शिकार बनेगा? अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नन्हे मुन्ने वास्प की यानी मधुमक्खियों की, जिनकी एक टोली है सब पर भारी। ऐसे ही आज ये शेर को भी बेहाल करने वाले हैं और आगे भी देखिए कि कौन कौन शिकारी इनके चंगुल में फंस जाते हैं। नंबर 1, बबून वर्सेस बीज। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चुलबुल पांडे उर्फ लंगूर और मधुमक्खियों का कारनामा। ये बबून भाई साहब जंगल में खाना ढूंढने निकले थे, तभी इनकी नजर एक अंडरग्राउंड घर पर पड़ी जिसमें भारी तादाद में टेस्टी टेस्टी मधुमक्खियां छुपी बैठी थीं। वैसे तो लंगूर अपना पेट पेड़ पौधे और फूल फलों और भी बहुत सी चीजों को खाकर भर लेते हैं, लेकिन जब मधुमक्खियां सामने हो तो इनका भी मन मचल ही जाता है, क्योंकि शहद तो इनकी मनपसंद डिश है। इसलिए ये लंगूर बिना डरे मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालता है और एक ही बार में शहद निकाल लेता है और फिर मजे से बैठकर खाता है। इस लंगूर के हाथ में टेस्टी शहद देखकर दूसरे लंगूरों को भी लार टपकाने की आदत है और ये एक दूसरे से शहद छीनने की कोशिश में जुट जाते हैं और एक दूसरे को डराने धमकाने लगते हैं। चलिए अब आपको दूसरा हमला दिखाते हैं। यहाँ लंगूर मम्मी दुख में अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी है। असल में किसी दुश्मन ने इनके बच्चे की जान ले ली है, इसलिए इनका पूरा परिवार शोक मना रहा है। यहाँ लंगूर के पापा भी गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन इनकी बुआ इन्हें शांत करा देती है, तब जाकर इस लंगूर का गुस्सा शांत होता है। नंबर 2, लायन वर्सेस वास्प। दोस्तों अब बारी है शेर खान की, जिनका आज वास्प बुरा हाल करने वाली है। वास्प बहुत ही गुस्से टाइप के होते हैं। अगर कोई इनके छत्ते पर हाथ मारने या इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये पूरा झुंड मिलकर उस पर ही हावी हो जाते हैं और उसे मिनटों में बेहाल कर देते हैं। यहाँ देखिए कैसे शेर खान इनके डंक से परेशान होकर पानी में इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन ये वास्प इसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और बस शेर खान को मोटा करने में लगे पड़े हैं। अगर आप भी इन वास्प को देखना चाहते हैं तो ये आपको पेड़ों पर या किसी पथरीली जगह पर ही देखने को मिलेंगी। बस इनसे आपको दूर रहने की ही जरूरत है, क्योंकि अगर आप इनके पास गए तो फिर ये गुस्ताखी आपको बहुत भारी पड़ेगी। जी हाँ, वरना आपकी शेर खान की तरह इनके चंगुल में फंस गए तो देखिए इन वास्प ने शेर को डंक मार मार कर भीगी बिल्ली बना दिया है और ये शेर इनके हमले से इतना बेहाल हो गया है कि ये सही से चल भी नहीं पा रहा है और थोड़ी देर बाद इसका पूरा शरीर कांपने लगता है और ये पैरालाइज्ड हो जाता है। लगता है अब तो शेर खान इस दुनिया से विदा हो ही जाएंगे। नंबर 3, बबून वर्सेस चीता। यहाँ बबून का पूरा परिवार अपने दुश्मन को टपकाने की फिराक में पेड़ों पर बैठा था, लेकिन तभी एक बबून की नजर चीते पर पड़ती है। पहले तो वो अपना निशाना पक्का करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है तो ये अपने साथियों को बताता है और इसका पूरा झुंड चीते को पकड़ने के लिए आ जाता है। इसके बाद ये चीता पानी पीने नदी के किनारे जाता है और यहाँ भी लंगूर इसके पीछे पीछे आ जाते हैं और मौका देखते हैं इस चीते को गिरफ्तार करने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन चीता भी इनका शिकार बनने से पहले यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों अगर ऐसे ही और खूंखार और खौफनाक जानवर देखने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नंबर 4, शेर अटैक्स ज़ेब्रा। शेर बड़ा ही खूंखार शिकारी है, इसकी नजरें तो इंसान से भी 6 गुना ज्यादा होती हैं। यही वजह है कि ये मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं और इनके अंदर एक खासियत होती है, ये अपने शिकार की आहट को बहुत ही अच्छे से महसूस कर लेते हैं और इनकी स्पीड के बारे में तो क्या ही कहें। ये शेर
एक घंटे में 35 मील की दूरी आसानी से तय कर लेते हैं। जैसे यहाँ शेरों की टोली जेब्रे के झुंड को देखकर अपने डिनर का सपना देख रही है। हालांकि जेब्रा को शेर की बिल्कुल भी भनक नहीं लगती और वो मस्त अपने झुंड के साथ खड़े होते हैं। तभी इनमें से एक शेर जेब्रा पर आक्रमण कर देता है और उसे पकड़ने के लिए तेज रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। ये शेर तो लगता है पुराने जमाने का रेसलर रह चुका है। तभी तो देखिए कैसे कैसे दांव पेच लगाकर जेब्रे को पकड़ रहा है और आखिर में अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता है। चलिए अब दूसरे हमले पर चलते हैं। यहाँ तो भाई शेर भाई साहब टाई सॉरी सॉरी पट्टा बांध बड़े ही गहरी नजर से किसी को देख रहे हैं। हाँ जी, ये कौन है? ये तो जेब्रा की टोली है। इसलिए तो भाई शेर की नजर इन पर से हट ही नहीं रही। थोड़ी देर तक घूरने के बाद जब इनका निशाना एकदम पक्का हो जाता है तो ये जल्दी से इनकी तरफ भागता है और एक जेब्री को अपने कब्जे में कर लेता है। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये अजाने दुश्मन कम और दोस्त ज्यादा है। देखिए कैसे गले पड़े हैं। खैर, जैसे तैसे जेब्रा इनसे बचने के लिए हाथ पैर फेंकता है और उसके साथ ही इस तमाशे का मजा दूरी से लूटते हैं और फिर ये जेब्रा शेर को चकमा देकर यहाँ से कहाँ भाग जाता है। नंबर 5, हनी बैजर वर्सेस हनी बी। क्या आप जानते हैं कि जंगल का सबसे जानलेवा नीडर शिकारी किसे कहा जाता है? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि हनी बैजर है, जो शेर तक से पंगा लेने में जरा सा भी नहीं कतराता। यहाँ भी आज ये मधुमक्खियों के झुंड पर हाथ मारने के लिए पेड़ पर चढ़ गया है और थोड़ी देर में उसे अपना टेस्टी भोजन मिल जाता है जिसे ये बड़े मजे से लेकर खाने लगता है। और जो भी बचा कुचा शहद होता है उसे ये जमीन पर आकर फुर्सत से खाता है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ तो भाई हनी बैजर अपने दुश्मन के घर पर ही चला गया है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि ये घर आए मेहमान का किस तरह से स्वागत करती हैं। तो बस हनी बैजर पर भी इन्होंने हमला बोल दिया। अब हनी बैजर इनके इलाके में तो आ गया, लेकिन बाहर जाने का ना तो इसे रास्ता मिल रहा है और ना ही बचने का तरीका। आज तो भाई हनी बैजर एकदम से सही हाथों में आ गया। लगता है अभी तक तो ये मोटा हो ही जाएगा। यहाँ देखिए, इस हनी बैजर को तो इन कांटों से भी डर नहीं। देखिए कैसे जीदारी से इन कांटों में फंसे रोडेंट को बाहर निकालने में लगा पड़ा है और ये रोडेंट भी इन हनी बैजर्स का खूंखार अंदाज जानता है, इसलिए इसने इन्हीं कांटों में अपने रक्षा कवच बना लिया है। पर ऐसे कैसे हनी बैजर के हाथों से बच निकलता? आखिर में इसे हनी बैजर का निवाला बनना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको इनमें कौन सा शिकार सबसे खूंखार लगा? वैसे आपको जंगल की दुनिया का सबसे जानलेवा शिकारी कौन सा लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।